हेलो गाइस, मैं हूं मैं टेक जैप से और आज मैं आपको मैकबुक एयर 2020 की अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस भी दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है इसका बॉक्स और ये स्पेस ग्रे वेरिएंट है और ये मैंने परचेस किया है विजय सेल्स से 1,24,000 का। और बैक साइड पे देखें तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके स्पेसिफिकेशंस, स्क्रीन, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये रैपर हमने ओपन कर लिया है। और ये रैपर ओपन करने की जो एक साउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगती है मुझे। तो चलिए इसको अब ओपन करके देखते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे ऊपर तो आपको मिल जाएगा मैकबुक एयर 2020। तो इसको साइड में रख देते हैं और बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक पैम्फलेट। इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल और कुछ डॉक्यूमेंट्स और एप्पल स्टिकर्स भी इसमें आपको मिलेंगे। एप्पल स्टिकर्स इसमें हैं, हाँ हैं, एप्पल स्टिकर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और ये कलर के साथ आपके आते हैं एप्पल स्टिकर्स, क्योंकि स्पेस ग्रे लैपटॉप है तो आपको स्पेस ग्रे कलर के एप्पल स्टिकर्स ही मिलेंगे, तो ये चीज़ अच्छी है। और ये है 30 वॉट का पावर अडैप्टर और ये है उसकी केबल। और ये इसमें दोनों साइड USB टाइप सी है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी काफ़ी। तो आप जब इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा कंप्यूटर। और चलिए इसके ऊपर से ये फिल्म हटा लेते हैं स्क्रीन पे से। तो मैं इस कंप्यूटर को सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको देता हूँ उसके फर्स्ट इम्प्रेशंस। तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले मुझे इसका काफ़ी शानदार लगा। ये 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले है और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 277 और इसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा 2560x1600। तो डिस्प्ले क्वालिटी तो काफ़ी सॉलिड लगी मुझे इसकी। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये इंटेल कोर i5 वाला वेरिएंट है, 10th जनरेशन का CPU है ये। और इसके अंदर आपको 512 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाएगी और इसके अंदर आपको 8 GB की LPDDR4X RAM मिलेगी। तो मोस्टली यूज़र्स के लिए इतनी परफॉर्मेंस मोर देन इनफ होगी। ये मैकबुक एयर लास्ट जनरेशन वाले से थोड़ा थिक है क्योंकि अब इसमें आपको सीज़र मैकेनिज्म वाला कीबोर्ड मिलता है जो कि आपको मैकबुक प्रो में मिलता है। और ये जो कीबोर्ड है ये आपका बटरफ्लाई कीबोर्ड जो पहले आता था उससे बेटर है। तो ये चेंज नई मैकबुक एयर में एप्पल ने किया है। प्रीवियस जनरेशन वाला मैकबुक एयर 1.25 किलोग्राम्स का था, वहीं ये वाला 1.29 किलोग्राम्स का है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हैवी है पुराने वाले मैकबुक एयर से। ओवरऑल बिल्ड की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब आप जितनी प्राइस पे करते हैं आपको वो वाली क्वालिटी एप्पल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एल्यूमिनियम की बिल्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। डिवाइस ओवरव्यू की बात करूँ तो लेफ़्ट में आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे। तो एप्पल से मुझे ये शिकायत है कि इनको एक नॉर्मल USB पोर्ट भी देना चाहिए था। और राइट साइड में आपको 3.5 mm का ईयरफोन जैक मिल जाएगा, पर इसमें एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी मैकबुक एयर 2020 की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन, और इसका रिव्यू भी मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।